हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथोपीडिया। और जैसे कि आप सभी बच्चों की डिमांड थी, पोल कराया था मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उसके अंदर बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी डायनेमिक्स के फर्स्ट चैप्टर की और लीनियर एलजेब्रा के फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो की। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डायनेमिक्स के चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आपका डायनेमिक्स का चैप्टर वन आप कर चुके होंगे, क्योंकि पोल से ऐसा ही लग रहा था कि बच्चों का फर्स्ट चैप्टर मोस्टली बच्चे कर चुके हैं। ठीक है, बाकी मैंने तो सजेस्ट ये किया था कि थर्ड फोर्थ चैप्टर भी आपको इजी रहेगा अगर आपने थर्ड फोर्थ करना है तो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं चैप्टर फर्स्ट के। 1.7 हमारे पास जो आर्टिकल है, ये 2 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत रेयर चांस है, बट 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्लस इस रिजल्ट के बेस पर डायरेक्टली एंट्रेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 4th, 6th और 7th एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं डायनेमिक्स के अंदर। ये कंफ्यूजन मत रखना माइंड के अंदर कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 1.1 का 4th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1.8.1 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये उन हर बच्चों के लिए है जिनके भी सिलेबस में जीवन संस से ये वाला चैप्टर आना है सिलेबस के अंदर। कई बच्चों का डायनेमिक्स के अंदर है, कई बच्चों का मैकेनिक्स के अंदर है। ठीक है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन उसी का ही बी पार्ट है ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 4th इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपको दिख रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 6th, if the radial and transverse velocities of a particular are proportional to each other। videos मैंने आपकी इस chapter की send कर दी थी। अगर आपके पास videos नहीं हैं तो आप बता सकते हैं, मैं telegram group के अंदर दोबारा भी send कर दूँगी। otherwise आप comments के अंदर बता देना जिस बच्चे के पास भी इस chapter की videos ना हो और उसे करना हो, मैं किसी और channel की video बता दूँगी आपको, क्योंकि मैंने ये book upload नहीं कर रखी। ठीक है, 1.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 12th। ठीक है, मार्क कर रखे हैं मैंने ऑलरेडी। इधर से आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ये है, क्वेश्चन नंबर 16 ये है। इसके अलावा हमारे पास टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का ही हमारे पास ये वाला बी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर मेथड आ जाता है, देख लेना MDU KU CDLU के हो तो कर लेना, बाकी एक बार प्रीवियस ईयर्स चेक कर लेना। अगर प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हो तो बिल्कुल भी मिस मत करना, तो एक बार इसको मार्क कर ही लो। आपके पास लॉकडाउन है, सफिशेंट टाइम है तो कर लेना। इसका टेंजेंशियल वाला बेशक मत करना। ठीक है, छोड़ के कुछ मत जाना, ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि इसमें से ज़्यादा देखे गए हैं क्वेश्चंस। अब इसके बाद एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 और यहाँ से एग्जांपल नंबर 4th, ये सारे मार्क कर लो। 5th भी आ रखा है 2017 MDU के अंदर, इसको भी मार्क कर लो। 6th एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल्स तो वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट डायनेमिक्स के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आते हैं, तो एक्सरसाइज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। इधर से एक्सरसाइज के अंदर 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, 3rd, 4th, 5th और 7th क्वेश्चन। ठीक है, पीछे से हमारे पास यहाँ पे 9th, 10th और 11th। ठीक है, आई होप आपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए होंगे जितने भी मैंने आपको बताए हैं, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मिस मत करना जो बताया है। इसके अलावा कुछ करना हो तो कर लेना। और डायनेमिक्स में मैं बार बार कह रही हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेटेजी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है डायनेमिक्स की, और डायनेमिक्स के आपको किस चैप्टर की वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। लीनियर एलजेब्रा या रियल एनालिसिस के भी अगर किसी चैप्टर की वीडियोज़ चाहिए हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो भी आप मुझे टेलीग्राम कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। प्लस लीनियर एलजेब्रा के चैप्टर 1st और 4th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी अपलोडेड है, और इसके अलावा लीनियर एलजेब्रा के 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 4th, 5th, 6th इन 5 चैप्टर की पूरी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप पूरा का पूरा अपना सिलेबस वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं।
रियल एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्स वाले जो हमारे पास बुक है उसका चैप्टर नंबर सेकेंड और फोर्थ बीटा एंड गामा फंक्शन और हमारे पास फोर ईयर सीरीज अपलोडेड है, तो कहीं से भी आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स जो मैंने अपलोड नहीं कर रखे जिन भी बुक्स के, वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेजती रहती हूँ, तो उनके लिंक्स, और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपका बेनिफिट ही है, कोई नुकसान नहीं है। प्लस उसमें जो भी अपकमिंग वीडियोस है उनके बारे में भी मैं आपको बताती रहती हूँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्म करती रहती हूँ, तो कुछ आपका लॉस नहीं है ज्वाइन करने के अंदर, ठीक है। बाकी आपको जिस भी चैप्टर में जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। अगर मैं रिप्लाई नहीं भी करती हूँ तो एटलीस्ट आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं, आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ यूज़फुल लगी होंगी, और अगर आपको इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूज़फुल लगे हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और क्लास ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।